नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका रिजन अकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में देखना है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेशर रिलीफ वाल्व। कि जैसे आपको पता है कि हाइड्रोलिक सिस्टम में अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। रिजर्वायर होता है, पंप होता है, डीसी वाल्व होता है, उसके बाद फ्लो कंट्रोल वाल्व होता है, चेक वाल्व होता है, एक्चुएटर होता है। तो ये सारे कंपोनेंट्स है, लेकिन अगर आपका प्रेशर रिलीफ वाल्व नहीं रहेगा तो क्या हो सकता है, आपका सिस्टम काम ही नहीं करेगा। तो हर एक हाइड्रोलिक सिस्टम में आपका प्रेशर वाल्व का इंपॉर्टेंस है। बेसिकली प्रेशर रिलीफ वाल्व आपके जो घर में कुकर रहता है उसके जैसे काम करता है। कि आपका जो कुकर है उसमें अगर प्रीसेट से ज़्यादा प्रेशर हो गया है तो वो क्या हो जाती है, आपके जो कुकर के ऊपर की जो वॉल है वो क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है और एक्सेस स्टीम क्या होती है वहाँ से बाहर निकल जाती है। सेम जो फंक्शनिंग है वो प्रेशर रिलीफ वाल्व का है। तो आपको जैसे पता है कि मैंने क्या किया है, यहाँ पे प्रेशर रिलीफ वाल्व का जो पहला डायग्राम था वही कंटिन्यू किया है। अभी पंप से ऑयल आता है, वो ऑयल आपके प्रेशर रिलीफ वाल्व की तरफ भी जाता है और आपके सिस्टम की तरफ भी जाता है। तो होता क्या है, वो डीसी वाल्व से आपके एक्चुएटर की तरफ जाता है, एक्चुएटर आगे जाता है, ये साइड का जो ऑयल है वो वहाँ से आपके टैंक की तरफ जाता है। तो ये जैसे नॉर्मली आदमी ब्रीथ करता है, मतलब इन करता है आउट करता है, वो सेम तरीका आपका जो सिस्टम है हाइड्रोलिक सिस्टम कंटिन्यूसली जो आपका सिलेंडर है वो आगे या पीछे चलते रहता है। लेकिन अगर कंसिडर करो यहाँ पे प्रेशर रिलीफ वॉल्व नहीं है तो क्या होगा, पंप से ऑयल जाएगा डीसी वॉल्व की तरफ, डीसी वॉल्व की तरफ से आपके एक्चुएटर में जाएगा, ये साइड ऑयल गया, ये पिस्टन आगे गया, एक्सट्रीम राइट साइड गया वो, फिर भी क्या हो रहा है, पंप कंटिन्यूसली ऑयल का फ्लो क्या कर रहा है, ये साइड भेज रहा है। पंप को पता ही नहीं है कि वो लास्ट एंड तक वो पहुंच गया है। उसको क्या है, उसको उसका काम एक ही है कि ऑयल प्रेशराइज करके सिस्टम की तरफ भेजना है, उसको सिलेंडर से कुछ लेना देना नहीं है। तो होगा क्या, जैसे आपको पता है कि आपका ऑयल क्या है, इनकॉम्प्रेसिबल है, तो क्या होगा, वो सिस्टम के अंदर प्रेशर बढ़ता रहेगा और जब जो आपके वीकर सेक्शंस है जैसे सील्स है, गैस्केट है, वो क्या हो जाएंगे, वो वीकर सेक्शन में वो टूट जाएंगे और बाद में अगर सिस्टम में प्रेशर एक्सेस हो गया तो क्या हो जाएगी, आपकी सिस्टम बस्ट हो सकती है। तो इसके लिए क्या है कि आपके सिस्टम में जो प्रेशर है, एक्सेस प्रेशर कम करने के लिए आप क्या करते हो, प्रेशर रिलीफ वाल्व का यूज़ करते हो। तो ये होता क्या है, जब ऑयल यहाँ से आगे जा रहा है, आपका पिस्टन क्या होगा, एक्सट्रीम राइट साइड में चला गया, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रेशर बिल्ड होना चालू हो जाएगा। प्रेशर बिल्ड, जैसे ही ज़्यादा प्रेशर बिल्ड होता है कि जो आपके सिस्टम में ज़्यादा बस्टिंग प्रेशर है उसे अगर पहले ही क्या होता है कि आपका ये जो प्रेशर रिलीफ वाल्व है उसको सेट किया वाला रहता है, प्रेशर ज़्यादा हो गया या आपका प्रेशर रिलीफ वाल्व का जो पॉपेट है वो लिफ्ट होता है और यहाँ से क्या हो जाता है, ऑयल आपका टैंक की तरफ चला जाता है। ये इंपॉर्टेंस है। ऐसे ये टोटल वीडियो था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।